धौलाधार की पहाड़ियों में स्थित विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल त्रियुन में अब फास्ट टैग की सुविधा भी ट्रैकरों को मिलेगी। वन विभाग त्रियुन तथा ग्यूल में निर्मित होने वाले चेक पोस्ट में फर्स्ट एड सेंटर स्थापित होंगे, साथ ही ट्रैकिंग रूट के बीच में भी ट्रैकरों को फर्स्ट एड की सुविधा दी जाएगी। ट्रैकिंग रूट का रास्ता भटकने अथवा इन किसी प्रकार की समस्या आने पर ट्रैकरों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम भी गठित की जाएगी। ये टीमें किसी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत मौके पर पहुंचकर ट्रैकरों को सहायता उपलब्ध करवाएगी। साथ ही त्रियुन में नियमों की अवहेलना करने वाले पर्यटकों पर अब लगाम कसी जाएगी, जिसके लिए क्षेत्र में वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे जो ऐसे हुड़दंगी तथा क्षेत्र में गंदगी फैलाने वाले पर्यटकों पर जुर्माना लगाएंगे। त्रियुन ट्रैकिंग स्थल में अब अपनी मनमर्जी से पर्यटक नहीं किया जा सकेगा। ट्रैकिंग स्थल के लिए अब लगभग 500 पर्यटकों को ही एक दिन में जाने की अनुमति मिल सकेगी तथा रात्रि के समय कुल 100 लोग ही त्रियुन में रुक सकेंगे। त्रियुन में जाने वाले पर्यटकों की अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की भी व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जा रही है। इसके लिए सॉफ्टवेयर भी वन विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है। वन विभाग द्वारा त्रियुन ट्रैकिंग रूट के ग्लू में पर्यटक चेक पोस्ट के निर्मित होने के बाद इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साथ ही इस चेक पोस्ट में पर्यटकों का पंजीकरण भी बायोमेट्रिक मशीन से किया जाएगा। वन विभाग द्वारा इस व्यवस्था को इस वित्त वर्ष में शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके बाद वन विभाग द्वारा दूसरे चरण में त्रियुन के लिए अन्य योजनाएं शुरू की जाएंगी। दूसरे चरण में विभाग द्वारा आधार लिंक के तहत पर्यटकों का पंजीकरण करने की भी योजना है। दूसरे चरण में विभाग द्वारा ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटकों को जियो ट्रैकिंग बैंड देने की योजना है। त्रियुन जो टूरिज्म साइट्स है वहाँ पे हमारा जो टूरिस्ट रेगुलेशंस के लिए हम लोग जो है गलू में एक टूरिस्ट चेक पोस्ट का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करेंगे। लगातार जो टूरिस्ट की बढ़ती जो तादाद है वहाँ पे जो लगातार बढ़ रही है टूरिज्म की संख्या, उसको रेगुलेट करना जो है बहुत जरूरी है। उसके लिए हम चेक पोस्ट में चेक्स लगाएंगे, जिसके तहत हम 500 से ज्यादा लोगों को तुरंत जाने की अनुमति नहीं देंगे, सिर्फ 500 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके बावजूद रात को ठहरने के लिए सिर्फ 100 लोगों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। इस तरह से हम वहां पे जो है जो प्रेशर एनवायरमेंट पे पड़ता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बावजूद जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए जो है फर्स्ट एड की व्यवस्था भी नेक्स्ट ईयर से हम शुरू कर रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स को भी तैनात किया जाएगा ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। उसके बावजूद जो बेसिक एमिनिटीज है, वाटर सप्लाईज की प्रॉब्लम्स थी त्रियुन में, उसे हमने पूरा कर दिया है। वन विभाग ने अभी वहां पानी हमने पहुंचा दिया है। और दूसरा जो है टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी थी वो ऑलरेडी है वहां पे, और अब हम चाह रहे हैं कि उसमें जो हम बायोडाइजेस्टर इंस्टॉल करें जो कि इको फ्रेंडली टॉयलेट्स है। तो आगे फ्यूचर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग जो है इको फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ई टॉयलेट्स है उस पर हम जोर देंगे, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल से उस पर हम कार्य शुरू करेंगे। भारी प्रदेशों से यहाँ घूमने पहुँचे पर्यटकों का कहना है कि यह स्थान बहुत ही खूबसूरत और आनंदमय है। यहाँ घूमने आए पर्यटकों को अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहाँ आ सके। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी घूमने आए हैं, उन्होंने उनसे बात की है तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ सुविधा नाम मात्र की है। उन्होंने कहा कि सही से जन्नत का दूसरा नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं निशांत राणा हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ चंडीगढ़ से। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे और कुछ बंदोबस्त करना चाहिए, जैसे घोड़े वगैरह का या शिमला वगैरह में, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। और हमें काफी ज्यादा चल के आना पड़ा, हमें काफी मुश्किल मिली रास्ते में, लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त नहीं, वो भी होना चाहिए। रात को अगर किसी को दिखाई ना दे, कुछ हो जाए, कुछ हादसा हो जाए तो उसे मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मेरे को लगता है सरकार को कुछ ऐसे बंदोबस्त करने चाहिए जिसके कारण कि काफी पर्यटक आ सके, और इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा और ये भी फेमस होगी जगह, और काफी अच्छा लोकलिटी को भी काफी फायदा होगा। जो आप आ रहे थे, आपको रास्ते का पता था, कहीं साइन बोर्ड वगैरह दिखे आपको? नहीं, साइन बोर्ड कोई नहीं था, हम सिर्फ एस्टिमेट लगा के आ रहे थे कि हाँ इस तरह से होगा, या पूछ के आ रहे थे किसी से। हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये बोर्ड है और यहाँ पे ये जगह है, ऐसा कोई निशान नहीं था यहाँ पे। ये स्थान इतना स्मरणीय है, इतना आनंदमय और इतना अच्छा स्थान है कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आ सके। बहुत सारे यहाँ फॉरेनर्स भी यहाँ पे आए हुए हैं,
लेकिन उनसे भी जब व्यूज हमने शेयर किए तो उन्होंने भी काफी इसमें नाराजगी प्रकट की कि यहाँ सुविधा का काफी अभाव है। लेकिन ये वाकई ये दूसरी जन्नत का दूसरा नजारा देखने को मिल रहा है।